आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए हमने ये उड़द की दाल ली है, इसको हमने रात भर भिगो के रखा था, अब हम इसको पीस लेंगे। हमने दाल को अच्छे से पीस लिए है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे। हम तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम हमारे बैटर को तैयार कर लेते हैं। हम हमारे बैटर में 3/4 चम्मच सोडा डालेंगे, छोटी 3/4 चम्मच। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसको ढककर रख देंगे जब तक हमारा तेल गर्म होता है। अभी हमारे तेल को गर्म होने में थोड़ा टाइम है, जब तक हम जो बड़े बनाएंगे उनको सॉफ्ट करने के लिए हम एक बर्तन में थोड़ा पानी डालेंगे। हम पानी नॉर्मल टेम्परेचर का लेंगे, इसमें हम नमक ऐड करेंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे, जब तक हम बड़े बनाएंगे तब तक ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा पानी में। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं। इसमें हम अपने बैटर का थोड़ा पार्ट डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बड़े बनाना शुरू करते हैं। बड़े बनाने के लिए हम अपने हाथों में लेंगे बैटर को, ऐसे लेंगे और इनको डाल देंगे। इसकी फ्लेम हम मिड रखेंगे। बड़े बनके तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम हमारे बड़ों को पानी में डाल देंगे, हमने जो नमक का पानी किया था। इसको हम 4 से 5 मिनट तक रखेंगे, जब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे। हमने इनको 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही नमक के पानी में रखा है। अब हम इनको इसमें से निकाल के बाउल में डाल लेंगे। इसमें से थोड़ा हमको प्रेस करके निकाल लें ताकि इसमें से पानी निकल जाए। ये अच्छे से देखो सॉफ्ट भी हो गए। देखिए अब हम इसको एक कटोरी में डाल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है, इसमें चीनी डाल दी थोड़ी, जिससे हमारे दही बड़े बिल्कुल खट्टे मीठे बने। इसमें हम अब भुना हुआ जीरा डालेंगे। इसमें मिर्ची डालेंगे। नमक डालेंगे। नमक कम ही डालें क्योंकि हमने पहले ही बड़ों को नमक के पानी में भिगोया था। अब हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। इसमें हम हरी चटनी डालेंगे। इसमें हम इमली की चटनी ऐड करेंगे। इसमें हम गार्निशिंग के लिए थोड़े धनिया पत्ते डाल देंगे, जिससे इनका लुक अच्छा आएगा। देखिए अब ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए आप, इन्हें देखकर ही खाने का मन करेगा। मैं तो बस वीडियो बंद करके अब इनको खाने ही वाली हूँ।
देखिए।